फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरकारी ट्रेन। दोस्तों, यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, रेल मंत्री का बहुत ही बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको सभी को बता दें, स्लीपर और थर्ड एसी में आप सभी को पहले की तरह जो भी वरिष्ठ नागरिक है उन सभी को छूट यहां पे मिल सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बताएंगे, तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, साथ साथ वीडियो के नीचे आपको बता दें सब्सक्राइब बटन दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि दोस्तों रेल जुड़ी सभी अपडेट आप सभी को मिल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक अपडेट है इंटर रेल ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती की सुविधा बहाल करने को लेकर तुरंत विचार करे रेलवे। संसदीय स्थायी समिति ने रेलवे को यहां पे विचार करने का कहा है। आपको बता दें, पार्लियामेंट्री रेलवे कमेटी समिति ने कहा कि कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी में रियायतें तो बहाल कर देनी चाहिए, सरकार को इस पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। पार्लियामेंट्री रेलवे कमेटी भारतीय रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ट्रेनों में टिकटों की वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें सुविधा बहाल करने को लेकर तुरंत विचार करें। समिति ने कहा कि कम से कम स्लीपर और एसी थर्ड एसी श्रेणियों में तो रियायतें बहाल करने को सरकार तुरंत फैसला करना चाहिए। बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह रेलवे की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन हैं। दरअसल सरकार के इस फैसले पर देश में चारों तरफ को बता दें कड़ी निंदा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब रेलवे में संसदीय समिति इस पर फौरन विचार करने में यहाँ पे जुट गई है। आपको तो बता दें, इस कारण से रेलवे में वरिष्ठ नागरिक को जो भी रियायतें मिलती थी हटा दी गई थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद लगे लॉकडाउन के बाद रेलवे में भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे ने कई तरह की पहले से मिलने वाली सुविधाओं को तत्काल बंद कर दिया था। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाले रेलवे रिजर्वेशन किराए में छूट का रोक लगा दी। इस फैसले पर विपक्ष के साथ साथ आम नागरिक भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं रेलवे पिछले दिनों रेलवे में कोरोना के कारण कई जो भी यहाँ पे चीज़ें हटाई गई थी, जैसे कि कंबल चादर, फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कई ट्रेनें स्पेशल कैटेगरी और साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक काफ़ी परेशान है। उनकी अभी तक जो भी टिकटों में छूट मिलती थी, यानी कि पुरुषों को 60 वर्ष से ऊपर 40%, महिलाओं को 58 वर्ष से ऊपर के 50%, अभी तक बहाल नहीं हुए। इसको लेकर रेल मंत्री बहुत ही जल्द आप सभी को बता दें फैसला ले सकते हैं। और दोस्तों, मौजूदा रेलवे का यह कहना था कि वो अब नई स्कीम पे काम कर रहे हैं, यानी कि अब 70 साल से ऊपर महिलाओं और पुरुष को दिए सिर्फ और सिर्फ उनको ही दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों बता दें, रेलवे ने यह भी कहा कि रेलवे ने 1500 करोड़ रुपये इन 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ लिखित जवाब देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिक की संख्या बढ़ी है। आपको बता दें, रेलवे ने कोरोना के दौरान वरिष्ठ नागरिक को छूट से यहाँ पे लेकर छूट ना देकर कमा लिए हैं 1500 करोड़ रुपए। बाकी दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे बहुत ही जल्द इस पर विचार कर सकता है। हो सकता है सितंबर माह के या दोस्तों अगस्त के अंतिम तक आप सभी को इस पर फैसला देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, स्लीपर और थर्ड एसी में मांग की जा रही है, लेकिन रेलवे यहाँ पर कह रहा है कि हम एक स्कीम पर काम करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गैर एसी यानी कि जनरल और स्लीपर में ही दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जब भी दोस्तों इसकी नई अपडेट आएगी, आपसे को चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सर, आप सभी को अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।